बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? डॉक्टर सईद के यहाँ गया था, लौटते वक्त रास्ते में शर्मा से मुलाकात हो गई थी। आपने बुलाया नहीं उन्हें? जरूरी काम से जा रहा था इसलिए मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं। अरे आप तो अजीब बात करते हैं, वो हमारे लिए अपनों जैसे हैं, उनसे कैसा संकोच? हाँ वो तो है ही। वो तो है क्या, आजकल मैं देख रही हूँ आप अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाया करते हैं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। तुम भी अपने ले ले आओ। आप खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे काफी दर्द कर रहा है? नहीं कुछ खास नहीं, अब तो लगता है मरने के बाद ही ये दर्द जाएगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो कौशल्या, डॉक्टर सईद ने कहा है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, बस एक बार बीमारी का पता तो लग जाए। सभी ऐसे ही कहते हैं जी। लेकिन हो सकता है इस बार तुम्हारी बीमारी का पता लग जाए, और इसके लिए तुम्हें डॉक्टर सईद के पास चलना होगा, कुछ टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, कब चलना है? कल सुबह 11 बजे। हाँ सांस लीजिए। हाँ अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा। लेकिन जब दर्द होता है ना डॉक्टर साहब, बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा मैं देखता हूँ। मैं कुछ जांच लिख देता हूँ जी, और आप अकेले ही आ जाइएगा, भाभी जी को लाने की कोई जरूरत नहीं। जी डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपने यहाँ आने में काफी देर कर दी मणिकांत जी। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। मेरा कहना यह था कि आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पे है, और अगर सही वक्त पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं दवाइयां लिख देता हूँ, आज से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए। मैंने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम लिख दिया है, आप उनसे मिल लीजिए। ऑपरेशन के बाद वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? ये कहना बड़ा मुश्किल है, हम डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, जिंदगी और मौत का फैसला तो ऊपर वाला ही कर सकता है। और हाँ इसके लिए आपको काफी पैसों का इंतजाम करना होगा। फिर भी करीबन 15-20 लाख रुपए। 15-20 लाख? वैसे आप ये रिपोर्ट यहीं छोड़ जाइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। मणिकांत कहाँ हो यार? बसेरा 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 बसेरा, न तेरा न मेरा ये दुनिया बसेरा।